दरअसल कार्बेन की ये कहानी बड़ी दिलचस्प और शॉकिंग है, क्योंकि नेचर ने इनके शरीर में दो वजाना के साथ साथ सारे फर्टिलिटी ऑर्गन डबल दे दिए, और इन्होंने अपनी लाइफ में दोनों ही वजाइना से न केवल फिजिकल रिलेशन बनाए बल्कि उनसे बच्चे भी पैदा किए। जब मार्टल का जन्म हुआ तो इन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इनके दो पैर एक्स्ट्रा थे। ये अपने शरीर में लोअर बॉडी के दो हिस्से लेकर पैदा हुई थी। चार पैरों के साथ साथ इनके शरीर में दो वजाइना भी थी। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, कई बार जब गर्भ में एक साथ दो जब बच्चे डेवलप हो रहे होते हैं तो कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं कि एक बच्चे के शरीर का पूरा अंग नहीं बन पाता, लेकिन इस अंडर डेवलप बच्चे के शरीर के दो अंग जो बन चुके थे वो दूसरे बच्चे के शरीर से जुड़ जाते हैं। और मार्टल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। जब मार्टल का शरीर माँ के गर्भ में बन रहा था तब उसकी जुड़वा बहन भी उसके साथ मौजूद थी। उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया और उसका जन्म भी नहीं हुआ। जब मार्टल पैदा हुई तो वो अपनी बहन के इन अंगों को लेकर पैदा हुई। इसके शरीर में एक्स्ट्रा लेग नॉर्मल दो पैरों के बीचों बीच थी। हालांकि ये पैर उनके कंपेयर में कुछ कमजोर और छोटी थी, बट समय के साथ इसकी इन चारों टांगों का विकास बराबर होता चला गया। चलते समय मार्टल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी अपने चारों पैरों को कंट्रोल करना, क्योंकि बीच के दोनों पैरों का कंट्रोल 100% तरह से उसके पास नहीं था। मार्टल 13 साल की उम्र में ही इतनी फेमस हो गई कि इनके ऊपर एक किताब लिखी गई जिसमें इनकी लाइफ की स्टोरी दर्शाई गई। बड़े होने पर इस लड़की की जिंदगी में एक सच्चा प्रेम आया, जेम्स और मार्टल में सच्चा प्यार हुआ। प्यार की स्टोरी भी सबको इमोशनल कर गई। मार्टल खुद तो सेक्सुअली एक्टिव थी ही, लेकिन उनकी सिस्टर के बॉडी ऑर्गन भी सेक्सुअली एक्टिव थे। वो अपने आधे शरीर को मार्टल के साथ रह रही थी। इनके शरीर में मौजूद दो वजाना फिजिकल रिलेशन के लिए रेडी थी। मार्टल ने अपने पूरी जिंदगी में 8 बच्चों को जन्म दिया।